बनाने जा रही मिर्ची बड़े, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स, और ये राजस्थान का फेमस रेसिपी है जिसे बहुत ही आसान सिंपल मसालों के साथ मैं रेडी करूँगी, जो आप एक बार खाएंगे तो हर बार इस तरह से मिर्ची बड़े बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 5 मिर्ची। मिर्ची को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद आप इस तरह से चीरा लगा लें और इसके अंदर का जो बीज है उसे आप बाहर निकाल लें। अगर तीखी नहीं है फ्रेंड्स तो इसे इसके अंदर ही रहने दें, लेकिन इसे इस तरह से चीरा ज़रूर से लगा लीजिएगा। लेकिन ये तीखी वाली है तो इसका हल्का हल्का जो है मैं बीज को निकाल देती हूँ। ये देखिए, तो इसी तरह से सारे मिर्च का बीज है जो मैंने निकाल दिया है, तो इसे भी साइड में रख दिया। और यहाँ पर मैंने बॉयल किया मसला हुआ आलू लिया है और इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है बारीक कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक डाला है, बारीक कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर, 1 चम्मच मैंने भुंजा हुआ मसाला डाला है, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत मसालों को क्वांटिटी कम लग रही है तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बिल्कुल ही मिश्रण है जो रेडी हो गया है। तो मिर्ची को अंदर इस तरह से मिश्रण को है जो भर ले। ये देखिए, आप चाहे तो फ्रेंड्स आलू को फ्राई करके भी, मसाला रेडी करके भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से मसाले है जो बनाकर आलू का देखिए बेहद ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे मिर्च के अंदर मसालों को अच्छे से दबा दबा के भरना है ताकि मसाला है जो बाहर ना निकले। तो यहाँ पर सारे मसालों को मैंने भर दिया, जो आलू बच गया था। इस तरह से आप इसे आलू बड़े तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़े का शेप दे दिया है, ये देखिए, तो इसे भी मैंने रख दिया है। यहाँ पर सारा रेडी हो गया है, इसे सेट में रख देती हूँ। और यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसमें मैंने डाला है 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला, ये देखिए। और इसमें 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है फ्रेंड्स वो मैंने डाला है। हुआ इसमें मैंने धनिया पत्ता डाला है। अब सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेती हूँ। तो एक बार में पानी को नहीं डालिएगा, इस तरह से चम्मच से इसे मिलाते जाइएगा और जितना ज़रूरत है पानी को उतना ही डालिएगा। तो घोल को फ्रेंड्स गाढ़ा ही रखना है, पतला घोल नहीं रेडी करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह को घोल को हो जो रेडी करना है। तो इसमें मिर्ची को आप इस तरह से लेके बेसन में इस तरह से कोट कर ले अच्छे से, ये देखिए। मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल भी यहाँ पर गर्म हो गया है। तेकक करके तेल के अंदर इस तरह से मिर्ची को पकौड़े को डालते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे आपको मीडियम गैस पर ही तलना है ताकि पकौड़े है जो अंदर तक अच्छे सब पके और खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे दूसरी साइड पलट दिया है और इसी तरह से उलट पलट के दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया है। ये बिल्कुल ही रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह से आलू बड़े को भी आप फ्राई कर ले। तो यहाँ पर मैंने आलू बड़े को भी फ्राई कर लिया है। तो आप चाहे तो गर्मा गर्म मिर्ची का पकौड़े और आलू बड़े बिल्कुल ही रेडी हो गए फ्रेंड्स। तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर का इसका दिखने में जितना आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में उतना ही ये टेस्टी है। इसे देखे थे फ्रेंड्स, मुँह में पानी आ जाती है। तो यहाँ पर बड़े भी मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया कि जितना आपको दिखने में अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल ही नरम है। इसे एक बार घर पर ज़रूर से आप ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी को कि रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।